आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आस्था चारधाम यात्रा ऋषिकेश से शुरू हुई। ऋषिकेश से गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया। संयुक्त यात्रा बस अड्डे से वैदिक मंत्रोच्चार ढोल बाजों की गूंज के बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर बसों को चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पिछले वर्ष का रिकॉर्ड इस बार चारधाम यात्रा में टूटने जा रहा है, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा चौकुटिया में अति वृष्टि, मजदूरों ने भागकर जान बचाई। तो चौकुटिया से करीब 12 किलोमीटर दूर महाकालेश्वर नौगांव बस भीड़ा में बुधवार रात करीब 10 बजे अतिवृष्टि से उफनाए कुथलाड़ नाले ने भारी नुकसान पहुंचाया। सिंचाई विभाग के लिए काम कर रहे 75 मजदूर नाले की चपेट में आने से बाल बाल बचे। नाले के साथ आए मलबे की चपेट में आकर जेसीपी, ट्रैक्टर ट्रॉली, मिक्सर मशीनें और भारी मात्रा में सीमेंट जमींदोज हो गया। रात करीब 11 बजे घटना की सूचना अफसरों को मिली। गुरुवार सुबह प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से सेंसेक्स धड़ाम। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी पूंजी निकासी और HDFC बैंक तथा रिलायंस इंडस्ट्री में तेज बिकवाली से स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को बड़ी गिरावट आई। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच यह चुनाव। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है, इसमें विकास के लिए वोट और जिहाद के लिए वोट के बीच मुकाबला है। तेलंगाना के भुवनगिरी लोकसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी की भारतीय गारंटी और राहुल गांधी की चीनी गारंटी के बीच है। भारत के चुनाव में अमेरिकी दखल। तो अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बीच रूस भारत के पक्ष में आ गया है। उसने कहा कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों और मौजूदा लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मियों की बर्खास्तगी रद्द। तो टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू सदस्यों ने हड़ताल वापस ले लिया। दून में मोर्टार ब्लास्ट, 8 घायल। तो दून के रायपुर क्षेत्र में गुरुवार को कबाड़ी की दुकान में मोर्टार ब्लास्ट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर बम निरोधक दस्ता, पुलिस फोर्स, अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को दून और कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सेना की फायरिंग रेंज से कबाड़ी उठा लाए थे मोर्टार। मोर्टार में तांबा निकालते समय हुआ धमाका। दून में कबाड़ी की दुकान में विस्फोट, 8 घायल हो गए। तो मोर्टार के गोले को तोड़ते वक्त हुआ हादसा। कबाड़ बीनते वक्त फायरिंग रेंज से उठाया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रू की हड़ताल खत्म हुई। आज खुलेंगे केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम की कपाट, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। केदारनाथ, गंगोत्री और व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारे के साथ बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंच गई है। मौसम, चारों धामों में आज बारिश बर्फबारी होने की संभावना। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज चारों धामों में बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगह हल्की बर्फबारी भी संभव है, जबकि प्रदेश भर में झोंकेदार हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इसके लिए येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 13 मई तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उन्होंने चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों को सलाह देते हुए कहा है कि साथ गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर लाएं। चुनाव प्रचार न तो मौलिक और न संवैधानिक अधिकार। 24 घंटे में जंगल की आग की कोई नई घटना नहीं आई। ट्रेन से बच्चों की तस्करी, प्रयागराज में 93 बच्चे बरामद। तो मानव तस्करी के प्रकरण ने प्रयागराज जंक्शन पर एक बार फिर से खलबली मचा दी। 93 बच्चों को मानव तस्करी के लिए सीमांचल एक्सप्रेस से राजस्थान और उत्तराखंड ले जाया जा रहा था।
तीन अलग अलग कोचों में इन बच्चों को छः ग्रुप में नौ एजेंट लेकर जा रहे थे। बच्चों की उम्र 9 से 16 वर्ष के बीच है। मानव तस्कर इन्हें आनंद विहार स्टेशन से सड़क मार्ग के द्वारा ले जाने की योजना बनाई हुई थी। सभी बच्चों को सकुशल प्रयागराज जंक्शन पर उतार लिया गया है। 15 सेकंड हट जाए पुलिस। फिर देखिए तो अमरावती में भाजपा प्रत्याशी ने कहा, पुलिस की ड्यूटी से हटते ही भाइयों को पता ही नहीं चलेगा कि वे कहां से आए और कहां गए। ओवैसी ने कहा, मोदी में ताकत है, 15 सेकंड क्या बल्कि 1 घंटा लीजिए, हमें बता दीजिए कहां आना है, हम आएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रूबिन क्रू काम पर लौटने को तैयार हुए। प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से बचें। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा, गलत खान पान की वजह से होती हैं 56% बीमारियां। ऑपरेशन में काट दी गलत नस महिला की मौत। तो लापरवाही, अल्मोड़ा से खबर है, जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान गलत नस कटने से महिला की हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया, बरेली ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। बारिश से राहत व नागरिक की नई घटना नहीं हुई। हाईकोर्ट की बेंच कहाँ स्थापित की जाए, दून में जनमत आज। तो हाईकोर्ट की बेंच IDPL में स्थापित होगी या इसके लिए कहीं और उपयुक्त जगह है, इसके लिए आज अधिवक्ताओं का जनमत होगा। जनमत के लिए गढ़वाल मंडल के सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी शुक्रवार को देहरादून में एकत्र होंगे। कुमाऊं में एक राय शिफ्ट ना हो हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट की बेंच को नैनीताल से शिफ्ट नहीं करने पर कुमाऊं के अधिवक्ता एकमत हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में हुई आम सभा में इस मुद्दे पर सभी ने सहमति जताई। शासनादेश ताक पर रख हटा रहे उपनल कर्मचारी। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को बिना वजह न हटाने के शासनादेश के बाद भी उपनल कर्मचारियों की न सिर्फ सेवाएं समाप्त की जा रही हैं, बल्कि कुछ विभाग पिछले 5 महीने से उनका वेतन भी लटकाए हुआ है। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों की शिकायत, शासन ने मांगी रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर रहे सतर्क। आज खुलेंगे भगवान तुंगनाथ के कपाट। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज शुक्रवार श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। गरुड़ पर बैठकर धाम रवाना हुए विष्णु। तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में बृहस्पतिवार को गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया गया। इसके तहत भगवान विष्णु की प्रतिमा को गरुड़ में बिठाकर रस्सी के सहारे अपर बाजार से नरसिंह मंदिर तक पहुँचाया गया। यात्रा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। 227 बसों में 6,778 तीर्थयात्री चार धाम रवाना हुए। QR कोड स्कैन कर पार्किंग का लगा सकेंगे पता। बाबा केदार की डोली पहुंची अपने धाम, मां गंगा ने भी किया प्रस्थान। ऑफलाइन पंजीकरण पर उठाए सवाल। तो उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर सवाल उठाए हैं। महापंचायत का आरोप है कि कई यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण न होने से यात्रा रद्द कर वापस लौटना पड़ रहा है। पर्यटन विभाग ने स्थानीय लोगों को पंजीकरण के दायरे से बाहर रखने की बात कही है। यात्रियों की परीक्षा लेंगे 200 संवेदनशील भूस्खलन जोन। तो 142 भूस्खलन DPR तैयार, 114 को मिली है मंजूरी, काम शुरू है। दूसरे दिन भी नहीं संभली व्यवस्था, आज से ऋषिकुल परिसर में होगा पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा में पर आने वाले यात्रियों को सुविधा देने में पर्यटन विभाग दूसरे दिन भी फेल हो गया। पहले दिन उमड़ी भीड़ के दौरान हंगामे को देखते हुए दूसरे दिन पर्यटन विभाग के कार्यालय में पुलिस व PSC के अलावा SPCT को स्वयं व्यवस्था संभालनी पड़ी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने पंजीकरण व्यवस्था ऋषिकुल मैदान में स्थापित करने का निर्णय लिया। बड़ी भीड़ तो बंद करना पड़ा मुख्य गेट। व्यवसायियों ने आज केदारनाथ धाम सहित घाटी बंद का किया ऐलान। महिला ने नदी किनारे जन्मे जुड़वा बच्चे, एक की मौत। तो नाचनी पिथौरागढ़ से खबर है, सड़क नहीं होने से मुनसारी विकास खंड के रुईसपाटा निवासी गर्भवती का नदी किनारे प्रसव कराना पड़ा। महिला ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, इनमें से एक मृत पैदा हुआ।
जंगल की आग से महिला झुलसी देहरादून में भर्ती। जंगल की आग में जलकर एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। वह घर के पास जंगल में चारा पत्ती लेने गई थी, तभी तेज हवा चली और महिला आग की चपेट में आ गई। बारिश दुकानों और घरों में घुसा मलबा, कार और बाइकें भी दबी, तो सोमेश्वर में मलबा हटाने में जुटी पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। तो चिन्याली स्वर्ण से खबर है, धरासू बैंड के पास यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक स्वर्णकार की मौत हो गई। कोर्ट के आदेश पर युवक की हत्या में दर्ज किया मुकदमा। भर्ती परीक्षा के नाम पर युवाओं के साथ धोखा। तो प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षा के नाम पर भाजपा सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। पिछले दिनों बिहार में नीट का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। इस परीक्षा में देश भर के 24 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। दसोनी ने कहा कि बीते 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। उत्तराखंड में आग के बाद आपदा की चुनौती। तो उत्तराखंड में एक दशक में भूस्खलन की घटनाएं में 70 गुना तक वृद्धि हुई है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। बारिश से आग की घटनाओं में राहत मिली। आपदा से निपटने को मुस्तैद रहेगा हेलीकॉप्टर। वनाग्नि पर बड़े अफसरों की जिम्मेदारी तय हो, आंकड़ों के दुष्प्रभाव पर होगी कार्रवाई। जंगल की आग से निपटने में सरकार नाकाम है। आग बुझाने को वन कर्मियों को मिलेंगी 150 बैकपैक। तो पीठ पर बैग बांधकर आग पर काबू पाने में मिलेगी मदद। शारीरिक परीक्षा के कड़े मानक पड़ रहे भारी। तो UK 3+C के कड़े मानकों के चलते PRD व्यायाम प्रशिक्षकों के पद रह गए खाली। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग UK 3+C की परीक्षा में शारीरिक परीक्षा के कड़े मानक युवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। इस कारण प्रांतीय रक्षक दल विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक के पूरे पद नहीं भर पाए हैं। UK 3+C ने प्रांतीय रक्षक दल विभाग और ATS नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक रिक्त कुल 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें के लिए 1155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन लिखित और शारीरिक परीक्षा के बाद अब कुल 44 अभ्यर्थी ही अंतिम चयन के लिए शेष बचे हैं। कर्मियों ने सरकार से मांगा महंगाई भत्ता। रोडवेज कर्मचारी 12 से मंडल स्तर पर करेंगे आंदोलन। आउटसोर्स कर्मचारियों का बहिष्कार जारी है। चुनाव आयोग से मांगी शिक्षक भर्ती के लिए मंजूरी। तो शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में रिक्त बेसिक शिक्षकों के 3,253 पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। गुरुवार को बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने दूरभाष पर बताया कि राज्य की उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवानिवृत्ति 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अनुसार केवल DLED प्रशिक्षित ही बेसिक शिक्षक बनने के पात्र होंगे। अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी है। उत्तराखंड में RAF की कमान विजय घोष को। मतदाता सूची में निष्पक्षता से नाम जुड़वाएं। हरिद्वार में होटल में ठहरे युवक की मौत हो गई। युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हरिद्वार से खबर रही है। शिक्षाविद जोगेंद्र लाल जग्गी पंचतत्व में विलीन हुए। गुरुकुल में PG में CUET से दाखिले 31 मई तक होंगे। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में विभिन्न PG पाठ्यक्रमों में छात्र छात्राओं को CUET से 31 मई तक दाखिले दिए जाएंगे। इसके बाद रिक्त सीटों पर छात्र छात्राओं को मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे। शिक्षकों का CEO दफ्तर पर धरना। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ से जुड़े शिक्षकों ने गुरुवार को CEO कार्यालय पर सांकेतिक धरना देकर गोल्डन कार्ड संबंधी सूचनाएं मुख्यालय नहीं भेजने पर नाराजगी जताई। धामों में उत्सव का माहौल लगे जयकारे। चार धाम यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रधानाचार्य भर्ती में बाध्यताएं टली। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 693 रिक्त पदों पर हो रही विभागीय सीधी भर्ती में 50 साल की आयु से अधिक वाले हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रवक्ता भी शामिल हो सकेंगे। गुरुवार को लोक सेवा आयोग ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए। आवेदन के लिए फिलहाल BEd की डिग्री की वैधता भी खत्म कर दी है। अभ्यर्थी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यह रियायत हाईकोर्ट के आदेश के बाद दी गई। संशोधन आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी किया गया। पद रिक्त दिखाने से नाराज अति शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो सालाना तबादला
प्रक्रिया में अति शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने वर्तमान तबादला प्रक्रिया में अति शिक्षकों की नियुक्ति वाले पदों को भी रिक्त ही मानने का निर्णय लिया है। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने दूरभाष पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले विभागीय बैठक में इस बाबत निर्णय किया है, आगे कार्रवाई इसके अनुसार ही होगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग इस साल तबादला प्रक्रिया में अति शिक्षकों के पदों को रिक्त न माने जाने पर विचार कर रहा था। अभी माध्यमिक स्कूलों में 4000 से ज़्यादा अति शिक्षक हैं। स्थायी शिक्षक अति शिक्षकों के लिए पदों को रिक्त न मानने के कड़ा विरोध कर रहे थे। अब स्थायी शिक्षकों की तैनाती होने पर संबंधित पद से अति शिक्षक को हटना पड़ेगा। अति शिक्षकों ने इसके विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि अति शिक्षकों के साथ हर बार छलावा किया जा रहा है। बात करते जॉब लेट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 417 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 124 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में 64 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 142 मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के 54 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट को शिफ्ट करना पहाड़ के विकास के विरुद्ध। सामाजिक आर्थिक विषमता की खाई पाटने को बनेगी कार्य योजना। वाहन के टायर में पेशाब करने पर उत्तर प्रदेश के मंत्री की गंदर को पीटा। 103 जूनियर स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी त्रिपाल सी में 3446 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे में 38 ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 671 अमीन एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। स्वच्छता समिति वेतन फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट से खलबली मची, तो करीब 100 पर्यावरण मित्रों के फर्जी नाम दर्शाकर वेतन के नाम पर किया जा रहा था भुगतान। पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए 25 मई तक आवेदन करें, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के साथ ही विश्वविद्यालय के पौड़ी टिहरी परिसरों में पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 25 मई प्रातः 11:50 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ 30 मई को प्रातः 11:50 तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। लॉ कॉलेज के छात्र आकाश व मोहम्मद वासी बने जज। अल्मोड़ा में 2 दिन से नहीं आया पानी, लोग परेशान हैं। धनिया में करोड़ों की दौमड़ पंपिंग योजना हुई बेदग। कपकोट और नौकरी में बिजली गुल रही, इसमें के साथ एक गिरफ्तार, तो बागेश्वर से खबर रही है। स्थायी राजधानी घोषित कर गैरसैंण को बनाए हाईकोर्ट। अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाया गया रेडक्रॉस दिवस। हैरत चक्राता में कई महीने में भी छाया कोहरा, पारा लुढ़का, तो चक्राता में सुबह 11 बजे तक बना रहा कोहरा, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा। कार से लैपटॉप और सामान चोरी, तो ऋषिकेश से खबर रही है। कार चोरी करने के आरोपी को पकड़ा, तो ऋषिकेश से खबर है। कर्मचारियों ने वापस लिया कार्य बहिष्कार, फायरिंग रेंज के पास से उठाकर लाए थे मोटर। त्यूनी के झड़सू में पानी की किल्लत गहराई। चारधाम मुखवा से गंगोत्री मंदिर निकली मां गंगा की उत्सव डोली। पहले दिन से शुरू होगी हेली सेवा, बम बम भोले के साथ जय गंगा यमुना मैया की गूंज। हर श्रद्धालु को कराएंगे चारधाम दर्शन, वाहनों में दूसरी ट्रैकिंग डिवाइस पर उठे सवाल, कांग्रेसियों ने तैयारियों पर उठाए सवाल। ऋषिकेश से 4000 भक्त रवाना हुए, दून में महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती मनाई। सेना की फायरिंग रेंज के पास से उठाकर लाए थे मोटार, दून दुकान में मोटार को खोखा समझ पीतल निकालने का कर रहे थे प्रयास। अनुज का हाथ उड़ा, चेहरे और सीने में भी गंभीर चोट, तो किद्दूवाला में कबाड़ी की दुकान में धमाके से सबसे ज़्यादा घायल दुकान के अंदर युवक अनुज हुआ है, उसका मौके पर ही हाथ उड़ गया, कलाई तक उसका दाया हाथ काटना पड़ा है, वह चेहरे सीने पैर से भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिश टनल में सिर के ऊपर घूमती दिखेंगी मछ समुद्री मछलियाँ।
कुआं वाला क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। मसूरी की चार छात्राओं ने दुबई में जीता पुरस्कार। तहसीलदार की कार ने महिला को मारी टक्कर, तो भवाली से खबर है। भवाली में रामगढ़ रोड तिराहे पर हुआ हादसा। मुरादाबाद के श्रमिक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। मर्चेंट नेवी जवान की पत्नी का शव फंदे से लटका मिला, तो हल्द्वानी से खबर रही है। रानीबाग में बाबा का कोई दो दोस्त पहले मिला थी ई रिक्शा चालक की हत्या, तो पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद में सिर पर मारी थी ईंट। 200 गांवों के लिए लोगों के लिए सिर्फ एक आधार सेंटर। उमस भरी गर्मी में आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे वाहन, तो सलाकोई से खबर रही है। जंगल में शिकार के लिए गए तीन लोग धरे गए। सिलेंडर की क्वालिटी जांच के बारे में छात्रों को बताया। पिथौरागढ़ में बारिश से राहत, ओलों से आफत आई। पिथौरागढ़ में खराब मौसम के कारण हेली सेवा रद्द रही। मुनस्यारी में पोगलैंड पर चट्टान गिरने से ऑपरेटर की मौत हो गई। कारगिल शहीद कैप्टन के पिता से 44 लाख ठगे, 5 गिरफ्तार, तो देहरादून से खबर है। इंटरनेट से सूची निकाल, शहीदों के परिजनों से करते थे ठगी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पर केस, तो एक आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को झांसे में लेकर करीब एक साल तक दुष्कर्म करता रहा। किशोरी 6 महीने की गर्भवती हो गई, तो परिजनों को पता लगा। उन्होंने गुरुवार को आरोपी के खिलाफ रायपुर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। ज्वेलर पिता पुत्र समेत 3 आरोपी जमीन फर्जीवाड़े में जेल भेजे गए। विदेशी को होटल में ठहराने की सूचना देरी से देने पर केस दर्ज हुआ। हाईकोर्ट की बेंच ऋषिकेश लाने को एकजुट होंगे गढ़वाल के वकील। बलूनी को पुण्यतिथि पर याद किया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बंद रही कटौती, आज फिर पड़ेगी मार, तो हल्द्वानी से खबर है। गुरुवार को सीएम धामी के हल्द्वानी में होने पर ऊर्जा निगम ने बंद रखे सभी मेंटेनेंस काम। हल्द्वानी में 15 टैंकरों से घर घर पहुँचेगा पेयजल। पेयजल व्यवस्था को 15 दिन मांगे। हिंसा के दौरान कैसे हुई फहीम की मौत, होगी जांच। गर्जिया मंदिर 30 जून तक बंद रहेगा। शक्ति शहर में 40 से ज़्यादा अतिक्रमण हटाए, तो हरिद्वार से खबर रही है। उत्तराखंड के धामों में उत्सव का माहौल है। केदारनाथ में पहले ही दिन शुरू होगी हेली यात्रा। सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी धरा, तो हैदराबाद थाना क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस ने दबिश दी है। मुनस्यारी हल्द्वानी हेली सेवा 21 जून से हो जाएगी महंगी, तो 525 रुपये की बढ़ोतरी मुनस्यारी से प्रति किराए में होगी। 21 जून से 3,675 की जगह 4,200 रुपये देना होगा। टनकपुर से घाट के बीच NH पर 12 डेंजर जोन है। आत्महत्या को उकसाने पर दो भाइयों को सजा, तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। डीडीहाट में 15 मई को स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश को ट्रायल होगा। चकुटिया में आफत में पड़ी 75 मजदूरों की जान। बागेश्वर में बारिश से 5 सड़कें बंद, घरों में पानी भरा। मलबे और बोल्डरों से पटा चनौदा गाँव। चकुटिया सोमेश्वर और रानी खेत में बरसे मेघ। 10 कॉलेजों के छात्रों की छात्रवृत्ति पर रोक लगी। नशे के शौक के लिए कार चुराने का आरोपी दबोचा, तो रामनगर से खबर रही है। बिजली संकट से परेशान किसानों ने JEE को अपने साथ धरने पर बैठाया। कलियर में जुमेरात पर जियारत करने के लिए पहुंचे जायरीन। कार की टक्कर से बुजुर्ग घायल, तो धनौरी से खबर है। जबरेडा में बस और बाइक की टक्कर से एक की मौत हो गई। बलदानी कैप्टन के पिता से लाखों की ठगी करने वाले दिल्ली से गिरफ्तार हुए। स्कूल पर बच्चे को बंधक बनाकर मानसिक उत्पीड़न का आरोप, तो मादरा स्थित कॉन्स्टेंसिया स्कूल प्रबंधक पर एक अभिभावक ने बच्चे को कक्षा से अलग बंधक बनाकर रखने व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पॉक्सो कमेटी गठित न होने पर स्कूल प्रबंधक को लगाई फटकार। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी तब पर मुकदमा दर्ज हुआ। अक्षय तृतीया आज, भक्तों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। नियम तोड़ने वाले 874 वाहनों का किया चालान, 52 सीज किए गए। घर का पालतू वफादार कर रहा अपनों का शिकार। देवभूमि में बहने लगी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी।
सिरोबगढ़ में अवरुद्ध हुए हाईवे पर यातायात सुचारू हुआ। मोरी में ओलावृष्टि से सेब की बागवानी को न भारी नुकसान हुआ। पिंडर नदी में मलबा हटाने में खर्च होंगे 34.5 लाख रुपए। एक्सपायरी सामान मिलने पर दो दुकानदारों को नोटिस भेजा। ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी की कार दुर्घटना में मौत। तो भीखिया शहर से खबर है, 100 मीटर खाई में गिरी कार, भरतोज खां से लौट रहे थे देवेंद्र। महिला की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, अटल उत्कृष्ट जीआईसी की व्यवस्थाओं में 2 साल बाद भी नहीं हुआ सुधार। तो रसायन व जीव विज्ञान की प्रयोगशाला खस्ता हाल, उपकरण भी अपेक्षाकृत कम। तो जिला मुख्यालय स्थित राजकीय इंटर कॉलेज को 2 साल पहले अटल उत्कृष्ट स्कूल का दर्जा मिला, इसके बाद भी जिस हिसाब से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। अक्षय तृतीया शादी का योग नहीं पर खरीदारी निवेश के खूब मौके हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी को बेघर ना करें। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने दी प्रधानाचार्य भर्ती में छूट, बिना बीएड और 50 से अधिक आयु वाले भी कर सकते हैं आवेदन। विश्वविद्यालय ने 3 विषयों की परीक्षा तिथि बदली। तो सुरदेव सुमन विश्वविद्यालय ने 3 विषयों की परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। पीतल के लालच में आए थे मोर्टार का गोला, हथौड़ा मारते ही धड़ाम हुआ। निरीक्षण में ड्यूटी पर नहीं मिला स्टाफ, वेतन रोकने के आदेश दिए। बलिदानी कैप्टन के परिजनों से 44 लाख ठगने वाले 5 दबोचे गए। दोस्त के साथ पार्टी करने गई युवती से छेड़खानी की। आईएसबीटी के पास चल रहा था अवैध बस अड्डा, 3 बसें सीज की गई। केंद्रीय गृह सचिव ने ली रिपोर्ट। बाबा केदार की डोली पहुंची अपने धाम, मां गंगा ने भी किया प्रस्थान। सिरोबगढ़ में 5 घंटे बंद रहा हाईवे। सोनप्रयाग से गोरीकुंड तक शटर सेवा में रेंगते रहे वाहन। बारिश से नदी नाली उफान पर ओलावृष्टि से फसल हुई बर्बाद। पत्थर की चपेट में आने से एक की मौत, चिन्यारी सौंठ से खबर रही है। जंगल की आग से महिला झुलसी, दून रेफर किया। विश्वविद्यालय के कारनामे भी अजब बदल गया, परीक्षा केंद्र जिम्मेदारों को पता ही नहीं। 7 किलोमीटर पाइपलाइन में 3 दिनों से पानी नहीं। अफसर हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे केदारनाथ, श्रद्धालु बाबा के सहारे ही चढ़ते गए धाम। चमोली गोपेश्वर उखीमुठ हाईवे पर खुदाई से लग रहा जाम। पानी की बर्बादी पर ग्रामीणों के अधिकारियों से हुई झड़प। तो सिटकुल से खबर आई है, हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा हुई। तो रुड़की से खबर आई, होटल में ठहरे युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में 1 गिरफ्तार, दूसरा फरार हुआ। बाबा केदार की डोली पहुंची अपने धाम।